बच्चा ऑटिस्टिक होता है, ये रिपोर्ट कहती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की। अपना अपनों से और समाज से किस तरह का तिरस्कार ये बच्चे सहते हैं, आगे देखिए। तूने रोटी खा लो, रोटी खाओ, नहीं 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 हम जाएंगे प्लेन में, जाएंगे ट्रेन में, जाएंगे घूमी घूमी करेंगे बाबू। अरे हट, जब पैदा हुआ था सोचा पूरे मोहल्ले में मिठाई बटवाई थी, तब थोड़ी सोचा था ये पागल निकलेगा। बेटा जी पागल ना बोले इसको, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे पागल थोड़ी है, पागल तो हम है। सोचा था कुल का दीपक पैदा होगा, ये तो पागल निकला। बदले अपनी सोच को और इस समाज की सोच को। ऐसे लोग पागल नहीं होते, अक्सर काफी इंटेलिजेंट होते, बस सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते दूसरे बच्चों की तरह। ये एक डिसेबिलिटी तो जरूर है, पर ऐसा नहीं कि ये बच्चे जिंदगी भर ऐसे ही जाएंगे और एक सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इन्हें जरूरत है तो अटेंशन की, कोऑपरेशन की और कोशिश की। राम प्रसाद एडमिशन का वक्त इतना ज्यादा था। Send the next parents. हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की समाधान मत करना। राम प्रसाद, मेरा नाम नरेंद्र वर्मा और ये मेरा बेटा है मोहन। मैं अपने बच्चे को आपके एडमिशन। शर्मा, ये राजधानी का सबसे बड़ा पब्लिक स्कूल है, यहाँ हम नॉर्मल बच्चों को एडमिशन देते हैं, ऐसे बच्चों को आप उनके स्कूल में ले जाइए। मेरे बच्चे ने आपके स्कूल के सारे टेस्ट क्लियर किए, आप किस आधार पर इसे एडमिशन लेने से मना कर रही हैं? मेरे पास कुछ सोशल जिम्मेदारियां हैं, यहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, वो इसे असामान्य बच्चे के साथ कैसे, यू नो। मेरे बच्चे मना नहीं करते। नेक्स्ट राम प्रसाद, सेंड द नेक्स्ट पेरेंट। ये पागल सिनेमा हॉल में क्या कर रहा है? ऐसे बच्चे सिनेमा हॉल में अलाउड नहीं होते। इनको खाना खाने का ढंग नहीं पता, इनको रेस्टोरेंट में ना आने दे। अरे हम इसे अपने साथ नहीं खिलाने वाले, इसे बाहर निकालो। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी स्कूल किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे का एडमिशन करने से मना नहीं कर सकती। वर्ल्ड फेमस ऑटिस्टिक माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट, फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग और मशहूर म्यूजिशियन माइकल जैक्सन रहे। जरा सोच कर देखिए क्या गुजरती होगी उन माँ बाप के दिल पर जब उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से रोक दिया जाता है। ये बोलते हैं आपका बच्चा एबनॉर्मल है, आपका बच्चा पागल है। एक सिनेमा हॉल में एंट्री करने से पहले उन्हें रोक दिया जाता है ये बोलकर कि इस बच्चे की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। क्या गुजरती होगी उस मासूम के दिल पर जब लोग मिलकर उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, क्यों उससे समान रूप से जीने का अधिकार नहीं देते? अरे हम इंसान एक छोटी सी सुई भी बिना मतलब के नहीं बनाते। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ऊपर बैठा वो भगवान किसी इंसान को बिना वजह से बनाएगा? नहीं, कभी नहीं। बच्चे को ट्रेनिंग करने का, उसका मजाक उड़ाने का। उम्मीदों वाली धूप, सजने वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। अरे कनिष्का जल्दी आओ। हाँ। देखो आज घर में पार्टी है, मेरे बॉस आने वाले हैं, और हाँ ये नीरज को कमरे में बंद करना, इसकी वजह से बहुत एम्बेरसमेंट होती है भाई। हमेशा की तरह बंद कर दूं मैं इसे, इस बार नहीं करूंगी। प्लीज ड्रिंक जॉब। अरे 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 बॉस आ गए, बॉस आ गए। हाँ मैम आइए 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 आइए। नमस्कार जी, नमस्कार, वेरी फाइन। मिली मेरी वाइफ से। कोई बात नहीं। ये कौन है? हमारा बच्चा है ये। मैं भागू आई हूँ, मैं भागू आई हूँ। मैं प्लीज। बाहर समझाया था, कमरे में बंद करके रखना चाहिए था इसको। कोई कमरे
नहीं करेगा बोझ है ये बोझ, कमाल है, मन तो करता है मार डालूं से। अपने ही बच्चे को मार डालोगे? आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, नजरिया बदलिए अपना हम जैसे बच्चों के प्रति। संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, इस संघर्ष में साथ चाहिए आप सभी का, साथ चाहिए मुझे सभी का। झूठे लोगों को मना लेंगे, कभी मत।